हाय फ्रेंड्स, तो हम SSD इंस्टॉल और परफॉर्मेंस चेक करने वाले हैं डेल के इंस्पिरॉन 3501 में। और SSD है यहाँ पर हमारे पास जैबरॉन की 256GB M.2। फ्रेंड्स, इस प्रोसेस में आपका विंडोज एज इट इज हार्ड डिस्क से SSD में कॉपी हो जाएगा। आपको कोई भी चेंजेस या रीइंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहले फ्रेंड्स, लैपटॉप के जो बैक साइड में स्क्रू लगे हुए हैं 9 स्क्रू, उनको आपको ओपन कर लेना है। और इसके बाद जो प्लास्टिक के लॉक होते हैं उसको अनलॉक कर लेना है। तो अनलॉक करने के बाद फ्रेंड्स, इसका जो बैक कवर होगा वो आसानी से यहाँ से ओपन हो जाएगा। अब SSD के लिए M.2 स्लॉट फाइंड करेंगे। तो ये रहा हमारा M.2 स्लॉट। अब यहाँ पर एक स्क्रू है, इसको ओपन कर लेंगे। अभी SSD को M.2 में इंस्टॉल नहीं करना है, इसके पहले हमें बैटरी की सप्लाई को रोकना है। तो यहाँ पर तो आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक बैटरी का कनेक्टर लगा है, इसको हम हटा देते हैं। उसके बाद SSD को M.2 स्लॉट में लगाकर स्क्रू को टाइट कर देते हैं। तो अभी फिजिकली हमारी SSD इसमें इंस्टॉल हो गई है। उसके बाद बैटरी के कनेक्टर को हम यहाँ पे लगा देंगे। और इसी कंडीशन में हम लैपटॉप ऑन करके BIOS सेटिंग में जाएंगे और कॉन्फ़िगरेशन में चेक करेंगे कि हमारी SSD वहाँ पे डिटेक्ट हो रही है नहीं हो रही है। तो अभी यहाँ पे SSD जो है शो होने लगी है। अब हम सिस्टम को ऑन करके विंडोज़ को SSD में HDD से माइग्रेट या कॉपी करेंगे। तो उसके लिए हमको एक सॉफ्टवेयर है डिस्क जीनियस, यहाँ पे उसको ओपन कर लेंगे। डिस्क जीनियस के बारे में जानने के लिए आई बटन के लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद हमें OS माइग्रेशन पे क्लिक कर देना है और यहाँ हमें SSD शो करेगा, उसे यहाँ पे सेलेक्ट करके ओके कर देना है। इसके बाद सी ड्राइव का स्पेस आप मैनेज यहाँ पे कर सकते हैं। तो मुझे 100GB स्पेस की कोई अदर ड्राइव भी बनानी है तो उसको मैं स्लाइड करके यहाँ पे मैनेज कर लेता हूँ। अब स्टार्ट पर क्लिक कर देता हूँ और हॉट माइग्रेशन चूज कर लेता हूँ। तो हमारा विंडोज SSD में माइग्रेशन होना या कॉपी होना जो है स्टार्ट हो गया है। और ये प्रोसेस अप्रोक्स 30-45 मिनट ले सकती है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर सिस्टम माइग्रेशन कम्प्लीट का मैसेज यहाँ पे आ गया है। और अब हमें सिस्टम को रिबूट करके BIOS में जा करके बूट डिवाइस SSD को फर्स्ट प्रेफरेंस में यहाँ पे करना होगा। तो सिस्टम रिस्टार्ट करके F2 की प्रेस करके इसकी हेल्प से BIOS में आ चुके हैं हम। और यहाँ पर बूट ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे SSD जो की है वो 4th नंबर पे है, उसको मैं सेलेक्ट करके एरो की हेल्प से 1st नंबर पे यहाँ पे सेट कर देना होगा और अप्लाई चेंजेस पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब फ्रेंड, जब यहाँ पे सिस्टम रिबूट होगा तो SSD के थ्रू बूट होगा। यहाँ पर आप बूट टाइम देख रहे हैं SSD के कंपैरिजन में कितना कम है और एप्लीकेशन का रिस्पांस भी अच्छा है। तो परफॉर्मेंस यहाँ पे काफी बेटर है यहाँ पे SSD के कंपेयर में। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप चाहें तो SSD को रिमूव करके सिर्फ SSD यूज कर सकते हैं या फिर दोनों को आप एक साथ यूज कर सकते हैं। तो इस हेल्पफुल वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियो के लिए। बाय बाय।